नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश शासन तथा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सामूहिक सहयोग से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रभार संदीप सिंह के साथ में डेलीगेशन भारत से भेजा जा रहा है। नीदरलैंड्स के अर्ली वार्निंग सिस्टम से भारत के खासतौर के ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी आएगी, जिसके लिए चयनित शिक्षकों में उन्नाव से स्नेहिल पांडे का भी नाम है। नीदरलैंड विजिट में जाने वाले शिक्षकों के साथ ही शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी तथा जिला गौतम बुद्ध नगर की BSA का नाम भी है। इस प्रकार के चयन होने पर स्नेहिल ने उन्नाव जनपद से अपने चयन पर हर्ष जताया है। उन्होंने कहा है कि अभी तक उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय का नाम किया था, लेकिन अब भारत के नाम से विदेश में आने की अलग ही खुशी है और वहाँ पर वह भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और वहाँ से कुछ सीख कर आने के पश्चात यहाँ उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के साथ वहाँ का अनुभव साझा करेंगी तथा अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी बताएंगी कि उन्नाव में ड्रॉप आउट रेट कैसे कम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शैक्षिक आदान प्रदान वाली एक्सपोजर विजिट्स निश्चित रूप से लाभान्वित करने वाली होती है। उत्तर प्रदेश सरकार तथा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का धन्यवाद ज्ञापित करती है कि उन्होंने डेलीगेट के दल में उनका नाम भी शामिल किया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।